देखिए, ये जो अफवाह पाकिस्तान उड़ाता है, ये जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर के हिंदुस्तान के चंद लोग जो ये इस क्रिटिसिज्म में सपोर्ट करते हैं, इनकी रत्ती भर औकात जो है ये ना सऊदी अरबिया में है और ना ही इतने बड़े शेख ईसा की नजरों में है। ये पाकिस्तान जो क्रिटिसिज्म करता है, आज इस पाकिस्तान की एक बेटी हिंदुस्तान में आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही गालियां दे रही है कि जब मैं जेल में थी तो मुसलमान औरतें मुझे बहुत क्रिटिसाइज करती थी, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ हिंदुस्तान की मुसलमानों से तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है, हिंदू ही यहाँ के काम आएंगे। बिल्कुल ऐसे अब बताइए भैया, शहबाज शरीफ को मेरा मैसेज पहुंचाइए कि अजमल खसब, याकूब मेमन, हाफिज सईद और ऐसे ना जाने कितने भाड़े के टट्टू से थक गए हैं, तो बहू बेटियों को परोसना स्टार्ट किए हैं वेंडेटा और रिवेंज के लिए। सिंपैथी ग्राउंड उन्होंने सेट किया है, चार बच्चों के साथ भेज दिया है। अरे वो तो पाकिस्तान का खून है, चार बच्चा। हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के मर्दों में कि शहबाज शरीफ को चिल्ला करके बोल करके अपने चार बच्चों को बुला सके? अरे किसी की बीवी अगर पाकिस्तान में आवारा और बच्चलन है, कम से कम अपने बच्चों पे तो अपना हक दिखा सकता है। कई कई आशिक तो उस औरत ने पाकिस्तान में भी बना के रखे थे। लेकिन यहाँ पे बात आती है जी ह्यूमन राइट के ऊपर, कि हमें किसी को भी शख्सी आजादी देनी चाहिए, उसका राइट है कि वो अगर किसी से खुला लेना चाहती है तो खुला, अगर उसे रोका जाएगा तो भी क्रिटिसाइज किया जाएगा कि देखो जी खुला लेना चाह रही है लेकिन रोका जा रहा है। और अगर उसे बुलाया जाता है, लेट्स सपोज, पहले तो मैं ये क्लियर एक दो प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि इस टाइम जो कंडीशन है, जितनी ये न्यूज वायरल हो चुकी है, दुनिया भर में इसकी बात हो रही है, अब उनका वापस आना शायद मुमकिन नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर वापिस आते भी हैं, वो सीमा जी अगर वापस भी आती है तो भी वो यहाँ पे शायद इतनी आसानी से, बल्कि यहाँ पे रहना उसका मुश्किल होगा, जो कि हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं यही कहूंगा नाजिया जी, मैं देखें बहुत सी चीजों से एग्री करता हूँ लेकिन मैं यही यही कहूंगा भाई जी, आपने क्योंकि शोएब भाई जी आपने अभी एक बात उठाई है, उसका जवाब मुझे देने दीजिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी मुझे। कहाँ है खुला का पेपर? खुला का पेपर नहीं दिखा रही है? बहुत सारा पासपोर्ट दिख गया, बहुत सारा सिम कार्ड दिख गया, वीसीआर कैसेट दिख गया, बहुत सारा मोबाइल फोन दिख गया, टूटा हुआ मोबाइल फोन दिख गया, दुनिया भर के कागजात दिख गए। उस सीमा गुलाम हैदर ने अपने माँ बाप को लालची कहा है, उसका एफिडेविट दिख गया है। खुला का पेपर नहीं दिख रहा है? खुला का पेपर कहाँ है? बिल्कुल ये चीजें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है और आपका ह्यूमन राइट्स की बात पाकिस्तान तब कर सकता है जब पाकिस्तान में ह्यूमन हो। पाकिस्तान इज अ टेररिज्म इंडस्ट्री एंड नथिंग एल्स। ये एजेंट का ना अंदर में 52 गज की जितनी अतड़ी है ना, डिपोर्ट करना इट्स वेरी इजी, डिपोर्ट करना इट्स वेरी इजी, लेकिन क्या क्या है, कौन कौन है उसके साथ, क्यों एक मासूम से हिंदू को उसने अपने शिकंजे में जकड़ा, क्यों एक मासूम से हिंदू बच्चे को उसने टारगेट किया है, बहुत सी बातें जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ अभी आप अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल मैं यही कहने वाला था, सवाल ही मैं ये क्लियर करने वाला था कि जहां पर बहुत सी चीजों से हम एग्री करते हैं लेकिन ये चीज मैं फिर अपना स्टांस रखूंगा कि देखें अच्छे और बुरे लोग, ये एक अलहदा मैटर है कि अगर उसे प्री प्लान तरीके से भेजा गया है तो मैं उसकी बिल्कुल मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसा दिख रहा है वैसा है तो ये चीजें शायद इंडिया में भी होती होंगी, पाकिस्तान में भी होती होंगी, कहिए बांग्लादेश कहिए में ना भी, शोएब जी, बिल्कुल में कहिए ना कि होती होंगी आपका मैम, आपको पाकिस्तान एग्री करना पड़ेगा अच्छे और सर। बुरे, अच्छे और बुरे के बारे में आपने कहा ना कि जी अच्छे और बुरे हर देश में होते हैं, तो हमारे देश में अगर बुरे लोग होते हैं तो हम उनको जेल की सलाखों में डालते हैं और अपने चैनल में दिखाते हैं, मेन स्ट्रीम चैनल में भी दिखा देते हैं कि ये आदमी बहुत बुरा है। फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हम उसको नहीं देखते हैं। अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के हिसाब से मेन स्ट्रीम मीडिया बताती है कि ये आदमी ने गलत किया है।
आपने आप कहिए अभी मेरे सामने, आप कहिए कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया था अजमल कसब को भेज करके। अगर अगर पाकिस्तान ने अजमल कसाब को भेजा था, मतलब अगर क्या होता है, देखें आप, अगर देखें कोई क्या होता अपने है, घर अजमल पे होते, कसाब मैं आपने मेरी बात देखें ना, देखें कोई अपने तौर कहा, पे, कोई अपने तौर पे जाता है, किसी ग्रुप के थ्रू जाता है वो एक अलहदा मैटर है, एक गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर प्लान तरीके से जाता है वो एक अलहदा मैटर है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जिसने भी भेजा, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, जो उसने वहां पे हरकत की है, मैं कहता हूं कि वो इंसानियत की बिल्कुल सरासर तजलील की है, इंसानियत को उसने भाई खत्म आखिर किया है। मैं ये आपके डेफिनेटली, पाकिस्तान के गारों में, आपके पाकिस्तान के गारों में 5 साल उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। बिल्कुल 5 साल अपने बीवी बच्चे नाती पोतों के साथ। देखिए पाकिस्तान जब भी इस तरीके की नीच और गिरी हुई हरकत करता है, तब पाकिस्तान की सरकार गूंगी बहरी और अंधी हो जाती है, चुप चुप्पी साध लेती है, ठीक है। और अब इस बार तो उसने बेटियां और बहुएं परोसना स्टार्ट किया है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं लिंक होता है एजुकेशन के साथ। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज किया जाए, बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं, अवेयरनेस आ सकती है। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि IIT, जो कि आपका इंस्टीट्यूट है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत से कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि IIT उनके कंट्री में आए, जैसे वहां पे इंस्टीट्यूट इंडिया में वो जिस तरीके से स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही दूसरी दुनिया के कंट्रीज भी ऐसा चाह रहे हैं। देखिए हमारे हिंदुस्तान में अगर आप 505 लाख घर भी देखिएगा ना, तो आपको एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक IAS, एक IPS, एक जज, एक बैरिस्टर, एक ग्रेजुएशन, एक BEd, एक टीचर, एक प्रोफेसर मिल ही जाएगा। गरीब से गरीब घर में जाइएगा, बड़े से बड़े घर में जाइएगा, अमीर से अमीर घर में जाइएगा, एडुकेशन वहां पर बहुत जरूरी है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियां जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट है एडुकेशन से। लड़के तो फिर भी फाकी मार लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है ना वो बड़ी एडमेंट और स्टबर्न टाइप के नेचर की हैं कि नहीं, हमने तो एडुकेशन लेना ही है। अच्छा माँ बाप भी अब इतने ज्यादा मॉडर्नेट हो चुके हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उनके भी दिमाग में ये बात अट चुकी है कि भाई लड़कियों को पढ़ाने से दो घर पड़ता है, एक अपना घर और दूसरा ससुराल। और हमारा बिल्कुल हमारा इस्लाम भी कहता है कि माँ की गोद अगर पढ़ी लिखी होती है तो जो जो आने वाला संसार होता है वो पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की कोख और माँ की गोद होती है। तो क्योंकि जब यह इस्लाम कहता है तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और क्योंकि हमारे भारत भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक योजना निकाला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ऐसा फील होता है कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी, महिलाएं अगर एडुकेटेड होंगी तो वो घर को बहुत बैलेंस लेकर के चलेंगी, वो थोड़ी रिनाउंड होंगी तो वो मोहल्ले को बैलेंस लेकर चलेंगी, वो थोड़ी और रिनाउंड होंगी, सक्सेसफुल होंगी तो वो एक स्टेट और नेशन को भी बैलेंस लेकर के चलेंगी। देखिए हमारे यहाँ बच्चा जब क्लास 9 में जाता है, मेरा बेटा जैसे खुद क्लास 9 में है, अभी से तय हो चुका है कि ही विल बिकेम अ पायलट। तो ये हमारे यहाँ का थॉट प्रोसेस होता है। आपके यहाँ महिला बच्चा गोद में रख करके पबजी में बॉयफ्रेंड बनाती है बहुएं। तो ये देखिए क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। पाकिस्तान जो है ना वो गधेड़ों की फौज है। जितना भी चीख लो, जितना भी चिल्ला लो, आप जितना भी अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस डाल लोगे, लेकिन ये जो गंदगी उनके ब्लड में आ रही है, ये कभी धुल नहीं पाएगी। ये तो जिन्ना के जमाने से आ रहा है, जिन्ना के जमाने से आ रहा है। तो हिंदुस्तान में APJ अब्दुल कलाम थे, मौलाना कलाम आजाद थे, हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े साहित्यकार, प्रोफेसर, पोएट, साइंटिस्ट, एडवोकेट, मैजिस्ट्रेट, जस्टिस, कितने बड़े बड़े लोग निकले हैं। आप एडवोकेट में ही देख लो ना राम जेठमलानी जी को, आप गूगल में सर्च मारोगे आपको सबसे सुपीरियर, सबसे रिनाउंड एडवोकेट राम जेठमलानी जी का आएगा। ये पूरी दुनिया अगर एडवोकेट के नाम नाम डालेगा तो राम जेठमलानी जी का आएगा। तो आप सोचो कि हिंदुस्तान जो है वो शिक्षित हमेशा से रहा है, हिंदुस्तान हमेशा मॉडर्न रहा है।
हिंदुस्तान हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के चला है, हिंदुस्तान हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर के चला है, हिंदुस्तान हमेशा हमेशा एक एक हर एक कास्ट और क्रीड को एक तरीके से लेकर के चला है। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि गेंदा का फूल मंदिर में मिलेगा, गुलाब का फूल मजार में मिलेगा, हमारे यहाँ ये सारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम खुद हंसते हैं, हम खुद मजाक उड़ाते हैं कि फूलों के रंगों से तुम कैसे बांटोगे मोहब्बत को और प्यार को कैसे बांटोगे। हम ईद एक साथ मनाते हैं, हम दिवाली एक साथ मनाते हैं, हम छठ पूजा एक साथ मनाते हैं, देवियों की पूजा हम एक साथ करते हैं, अंजलि हम एक साथ देते हैं। तो दिस इज आर इंडिया, दिस इज आर इंडिया। और कभी भी मैं मुसलमान हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आई एम वेरी वोकल, आई एम वेरी रिनाउंड, लेकिन कभी मुझे नहीं कहा गया कि नाजिया तुमको हिंदुस्तान का ईमानदार तभी माना जाएगा जब तुम हिंदू हो जाओगी। नॉट एट ऑल, कभी नहीं, कभी कभी भी नहीं। बल्कि मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी एक्वेंटेंस हैं, मेरी ज्यादातर फ्रेंडशिप जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हिंदुओं के साथ है। अगर मैं रोजे में होती हूँ तो पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी वो टाइम को रोका जाता है और मुझे इफ्तार किया करवाया जाता है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए एक साफ सुथरी जगह दी जाती है। अभी वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन में अचानक से अजान स्टार्ट हो गई है तो मुझे पीछे से मेरे सनातनी भाई ने कहा है कि दीदी दीदी अजान हो रहा है, अजान हो रहा है। और मैं वहां पर अपनी स्पीच को रोकी और उसके बाद फिर हमने 5 मिनट पॉज किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पीच को मुकम्मल किया। तो दिस इज द कल्चर ना, हमें दिखावा ड्रामा ये सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी बोली से, हमारी बातचीत से, हमारे नॉलेज से समझ में आ जाता है। आप यहाँ पर हिंदुस्तान में किसी हिंदू से पूछिएगा कि मुसलमान कितने वक्त नमाज पढ़ता है, वो बोल देगा 5 वक्त नमाज पढ़ता है। ईद में क्या होता है वो बता देगा कि ईद में क्या होता है, बकरीद में क्या होता है वो बता देगा बकरीद में क्या होता है। आप, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, लेकिन इस्लाम का जितना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए मुझे लगता है कि उससे भी 50% ज्यादा नॉलेज मैंने रखा है। क्योंकि मैं एज बीइंग अ मुस्लिम, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। तो जिस रिलीजन से मैं आ रही हूँ, अगर उस रिलीजन की मैं वफादार नहीं हुई, उस रिलीजन को का नॉलेज मेरे पास नहीं हुआ, तब तो फिर मैं किसी की भी वफादार नहीं हो सकती हूँ। लेकिन लेकिन हमारे रिलीजन में ये भी कहा गया है मुसलमानों के लिए कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुट्ठी की तरह हैं, अगर एक मुसलमान को दर्द होगा तो दूसरे को भी होगा। तो हम भी मुसलमान बैठे हैं, लेकिन आप तो बहुत सख्त अल्फाज रखती हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। फिर आप ये भी कहती हैं कि इंडिया से इंडियन से पॉजिटिव वाइब आती हैं। तो आपकी अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बैठे मुसलमान आपको जब सुनेंगे तो उन्हें पॉजिटिव वाइब आएगी, और यह आपकी बातों से लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुट्ठी की तरह से है? पाकिस्तान की अवाम आज से, इसी वक्त से ये बिस्मिल्ला करे और ऐलानिया कहे कि पार्लियामेंट में बैठे जितने भी गधेड़ों की फौज है पाकिस्तान के अंदर, हम उसको नहीं मानते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं, हम क्रिटिसिज्म को नहीं मानते हैं, हम ऑप्टिमिज्म को मानते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को मानते हैं। हम जितनी बार भी कुरान में 360 बार या अय्युहन्नास कहा गया है हम उसको मानते हैं, सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी कही गई है हम उसको मानते हैं। आप लोग कहिए, हिम्मत पैदा कीजिए, कहिए ठीक है, लेकिन कहिए, बहुत से लोग ये चीज मानते हैं। आपने तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कह मानता हूँ। दिया। अरे अभी मैंने अजमल कसब के बारे में शोएब बात किया, आपने कहा किसी ने भेजा होगा, नहीं नहीं जिसने भी मैंने भेजा ये वो गलत किया। नहीं कहा, मैंने कहा जिसने भी भेजा गलत किया। मैंने ये बोला किसी ने पाकिस्तान भेजा हुआ की ने बात भेजा, मैं नहीं करता। आप देखें, पाकिस्तान ने पाकिस्तान भेजा, से, पासपोर्ट मिला पाकिस्तान है से भाई उसके जिसने, पास। किसी एक ने तो भेजा होगा। मैं एग्जैक्ट, क्या आप बिल्कुल श्योरिटी से ये तो नहीं कह सकती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान फौज ने, या पाकिस्तान की कई ऐसी तंजीमें हैं, कई ऐसी जमातें हैं? मेरा कहने का मतलब ऐसी ये, तंजीमें किसने हैं, भी क्यों भेजा ऐसी तंजीमें पाल रहे हैं जी, जो भी है आज? क्या वो गलत है आज ना, गलत है। लेट मी मैं तो फिनिश, कहता हूँ, ओपनली कहता लेट हूँ। मी फिनिश, लेट मी फिनिश। अगर आपकी पाकिस्तान की सरकार ने रोटी और बोटी टेररिज्म टेररिस्टों को नहीं बांटा होता, तो आज आपके युवाओं को
इस अफरा तफरी के माहौल से नहीं गुजरना पड़ता, आटे और चावल का मोहताज नहीं होना पड़ता और यहाँ की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होता। ऐसे टेररिस्ट को पालने की वजह से 5-5 साल ओसामा बिन लादेन को उसके पूरे खानदान के साथ रख करके, उसको लग्जेरियस लाइफ दे करके, उसको बम गोला बारूद मुहैया करवा करके ये आपके पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही अवाम के पेट में लात मारा है, उसके मुस्तकबिल पर थूका है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को क्वेश्चनेबल बना दिया है। आप वल्नरेबल हो करके आप अपने सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, आप बोलिएगा आपको नोटिस आ जाएगा, पर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा ही, और हम अपने तौर पे कोशिश करते रहे हैं, करते रहेंगे कि जहां पे कहीं पे भी कुछ गलत होगा उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा ताकि बेहतरी ला सकें। और यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट से या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर देख रहे हैं, मुझे उसामा बिन लादन की जो इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है नाजिया जी ने, कोई उसकी जस्टिफिकेशन ला के दे सकता है तो जरूर दें, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इन्हें दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो जस्टिफिकेशन नहीं है। कि एक साइड पे बड़ी बात है, आज ही उसामा बिन लादन के हवाले से हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो असेंबली में खड़े होकर ये बोले कि उसामा बिन लादन शहीद है, और आज यानी आज के